हाय गाइस, दिस इज़ कंचन। कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के लच्छी। ये बहुत ही सिंपल वे में बनता है, इसे कोई भी बना सकता है और आप एक जगह पर बैठ के ये बना सकते हैं। तो सोचो ये कितना सिंपल है। प्याज के लच्छे बनाने के लिए हम लोग को चाहिए क्या? ऑफकोर्स प्याज चाहिए। ये रहा प्याज। और प्याज में भी हम लोग को वो वाले प्याज लेने हैं जो बिल्कुल सर्कल होते हैं, जैसे कि ये सर्कल है। ऐसे प्याज हमें लेना है। आपको ऐसा प्याज बिल्कुल नहीं लेना है जैसे जिसका दो मुंह हो, लाइक दिस। तो हम प्याज को काट लेते हैं और प्याज को सर्कल सर्कल काटना है, काटते हैं। अगर आपके प्याज सर्कल नहीं होंगे तो प्याज के जो लच्छे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आपके दो मुहे प्याज हुए तो उनका वो सर्कल नहीं होते, बेसिकली वो अच्छे लगेंगे नहीं दिखने में। अगर आपके सर्कल होंगे तो लच्छे बिल्कुल ऐसे रहेंगे, तो ये अच्छे बनते हैं और दिखने में भी अच्छे लगेंगे वो। तब मैं पूरा काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे प्याज काट लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे लच्छे बने हैं। अगर आप सर्कल लोगे तो ही आपके ऐसे प्यारे लच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल है बन पाना सर्कल। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट्स के लिए ठंडे पानी में भिगो के रख दूँगी ताकि इसका जो वो तीखापन है वो चला जाएगा। चलिए भिगा देते हैं इसको। जब तक हमारा प्याज भीग जाता है तब तक हम बना लेते हैं मसाला। मसाला के लिए हम लेंगे पहले एक कटोरी। कटोरी में सबसे पहले मसाला में जाएगा चिली पाउडर, इससे जाएगा चिली पाउडर, फिर चाट मसाला। चाट मसाला मस्ट है, चाट मसाला से इसका जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। स्किप ना करें, चाट मसाला ज़रूर डालें। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चाट मसाला, आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं, मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ। इसके बाद हम डालेंगे नमक। नमक एक्चुअली नमक आप तभी डालें जब आपको खाना हो। अगर आप बाद में खाना चाहते हो तो आप नमक बाद में डाल सकते हो। अगर आप नमक पहले डाल देते हो तो फिर आपका जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाएगा पूरा, वो क्रंचीनेस नहीं रहेगा प्याज में, फिर वो मज़ा नहीं है खाने। फिर इसके बाद हम डालेंगे, ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट, बोले तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इसमें है जीरा और धनिया को थोड़ा भून के उसको क्रश किया हुआ, तो ये है 1/2 चम्मच, बहुत टेस्टी बनेगा। अब हम सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे।